अयोध्या विधानसभा में बुधवार को सूबे के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य पर टिप्पणी करने को लेकर भाजपा भड़क गई है। गुरुवार को यहां भाजपाइयों ने नारेबाजी करते हुए सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का पुतला फूंका। आक्रोशित कार्यकर्ताओं ने कहा कि सदन में अभद्र भाषा का प्रयोग कर सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अपनी हार की हताशा का परिचय दिया है। भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष प्रधान अजीत मौर्य के नेतृत्व में सड़क पर उतरे भाजपाइयों ने सिविल लाइन चौराहे पर सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का पुतला फूंका। जिला उपाध्यक्ष ने कहा कि सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष का सदन की गरिमा के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि सदन में शिष्टता का परिचय न देकर श्री अखिलेश यादव ने संसदीय मूल्यों का भी अपमान किया है। उन्होंने कहा कि सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष को इसके लिए सदन और डिप्टी सीएम से माफी मांगनी चाहिए। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। इसका फूंका है और क्या करना चाहेंगे बताइए। कल सदन की कार्यवाही, उत्तर प्रदेश विधानसभा में सदन की कार्यवाही चल रही थी तो हमारे पिछड़े समाज के गौरव, हम लोगों के नेता, सर्व समाज के सम्मान, स्वाभिमान संगठन के कुशल संचालक आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सदन में अभद्र टिप्पणी की है, तू तड़ाक और उनके पिताजी तक बात किया है, इससे जो है हमारा पिछड़ा समाज के साथ साथ सर्व समाज के लोगों में काफ़ी आक्रोश है और हम लोग आने वाले 24 के चुनाव में भी अखिलेश यादव को 2014 से जो देखते आ रहे हैं वही फिर दिखाने का काम ये पिछड़ा समाज और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और सर्व समाज के लोग मिलकर करेंगे, इनको उनकी हैसियत बताने का काम किया जाएगा। अखिलेश यादव मुर्दाबाद। हमारे साथ सुरेश मौर्य हैं, खुशी मौर्य हैं, रमेश मौर्य हैं, अंकित मौर्य हैं, अमन मौर्य हैं, अखिलेश भाई हैं, खुशी रामपाल जी हैं, सारे लोग हैं, अजीत मौर्य। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।